आज इस वीडियो में हम पॉनीटेल पान से बॉन्साई बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये प्लांट मैंने महज 100 रुपये में तकरीबन 2 साल पहले परचेज किया था। उसे ऐसे ही सैंडी सॉइल में रखा हुआ है। अभी रिसेंटली एक यूट्यूब वीडियो में टेरेस पर रखे बड़े बॉन्साई से ये आइडिया आया है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये लूज सॉइल में है तो आसानी से बाहर आ जाएगा। ऐसे पॉट जैसे देसी जुगाड़ से या बॉन्साई टूल से आप आसानी से इसके रूट्स को सॉइल से फ्री कर दें। ये प्रोसेस थोड़ा आराम से करें और केयरफुल रहें। ये वीडियो ऑलमोस्ट मई के स्टार्ट का है। वैसे तो मॉनसून सबसे अच्छा सीज़न है किसी भी गार्डनिंग वर्क के लिए, पर आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए और प्रॉपर केयर करेंगे तो ऑलमोस्ट पीक समर छोड़ के कभी भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। इनके रूट थोड़े डेलिकेट होते हैं क्योंकि इसी पॉट पर ये लंबे समय से ग्रो हुआ है, तो आप यहाँ पे रूट बाउंडिंग भी देख सकते हैं। यहाँ पे टूल्स को केयरफुली यूज़ करें क्योंकि इन्हें फंगस लगने का भी खतरा रहता है। पॉट में एडजस्ट करने के बाद एक्स्ट्रा रूट्स को काट दें और बाकी रूट्स को रेडियल डायरेक्शन में फैला दें। यहाँ आप जो भी कटर यूज करेंगे उसे प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करें या फिर एटलीस्ट थोड़े समय के लिए प्रॉपरली धूप में सुखा दें। यहाँ बीच के रूट्स हटा दें। अगर बाहर की तरफ के रूट्स होंगे तो वो दिखने में ज़्यादा अपीलिंग दिखेगा। जो वेलड्रेन होने के साथ साथ न्यूट्रिएंट रिच भी होनी चाहिए। यहाँ पर मैं गार्डन सॉइल, फंगीसाइड, राइस हल्स, रिवर सैंड और वर्मी कंपोस्ट का एक मिक्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो कि हल्का भी रहेगा और पोरस भी। किसी भी डेजर्ट प्लांट्स को कभी भी ताज़ी वर्मी कंपोस्ट या तो काव डंग का खाद ना दें। थोड़ा नेचुरल ह्यूमस और बस आपका सॉइल मिक्स रेडी। भी आप ऐसे बॉन्साई मटेरियल्स को लगाए तो फोकस रूट पर ज़्यादा रखें, थोड़ा एलिवेट करें और नीचे कोई फ्लैट सरफेस बनाए ताकि रूट्स बाहर को ग्रो करें। अब नेक्स्ट प्रोसेस में ऐसे किसी टूल की मदद से अपनी सॉइल के अंदर आप उसको इंसर्ट करें ताकि कोई भी एयर बबल बाकी ना रहे और पूरे स्ट्रक्चर में सॉइल प्रॉपरली सेट हो। यहाँ पे आपको ये प्रोसेस बड़े ही आराम से और केयरफुली करना है। जनरली बॉन्साई मेकर्स यहाँ पे वायर के सपोर्ट से अपने मटेरियल को लगाते हैं, बट अगर रिक्वायरमेंट ना हो और आपका मटेरियल इस तरीके से थोड़ा फ्लैट बेड पे हो और छोटा हो तो आप सिर्फ स्टोन्स की मदद से उसको सपोर्ट देके रख सकते हैं। इस सारी प्रोसेस ख़त्म करने के बाद जब भी आप वाटरिंग करेंगे तो मेक श्योर करें कि उसके अंदर भी आपने फंगीसाइड मिक्स करा हो एंड आप बिना डरे इसको प्रॉपरली वाटर करें और पूरा भिगो दें। कुछ महीनों बाद शायद मैं उसे यहाँ से कट कर दूंगा
ताकि और मल्टीपल ब्रांचेस इसके अंदर आए। इस मटेरियल के अपडेट्स के लिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।